तो हे गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेकर के माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन पे। तो आज की वीडियो में आया हूँ आप लोगों के लिए माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में रियल लाइट एड ऑन, यानी कि अगर आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन या फिर देखा होगा जावा एडिशन में, तो लोग अगर टॉर्च वगैरह हाथ में होल्ड करते हैं तो उनको लाइट ऑटोमेटिकली मिलते रहती है, जिनकी जिससे कि उनको माइनिंग में काफी ज्यादा आसानी होती है। पर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में ऐसा कुछ नहीं होता, आप लोग कोई भी ब्लॉक पकड़ दो यार गाइज, हाथ में आप लोगों को लाइट नहीं दिखता। देख सकते हो अभी मैंने यहाँ पे हटाया ब्लॉक और यहाँ पे लाइट चल चुकी है, जा चुकी है, और जैसे मैंने ब्लॉक पकड़ा लाइट आ चुकी है गाइस। अगर आप लोग भी इस तरह से करना चाहते हो अपने माइक्रो पॉकेट एडिशन में, इसलिए वीडियो को बिल्कुल आप लोग लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं सारी चीजें बताऊंगा इसमें आपको किस तरह से कुछ इसको डाउनलोड कर सकते हो और कहां से इसको आप लोग एक्टिव कर सकते हो गाइस। तो सबसे पहले इसकी डाउनलोडिंग प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं, चलिए शुरू कर लेते हैं सबसे पहले वीडियो को गाइस। आप लोग को लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जैसे ही आप लोग लिंक पे क्लिक कीजिएगा आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा गाइस। आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का इंटरफेस, जस्ट आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इनपुट दिख जाएगा आइटम्स को जो कि सपोर्ट करेगी लाइट को। यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे आइटम है, मैग्मा ब्लॉक वगैरह, जो कि आपको दिखाएगा लाइट। जैसे आप लोग होल्ड करोगे लालटेन वगैरह सभी होल्ड करोगे तो आपको लाइट दिखाएगा। आपको नीचे जाना है, यहाँ देखो डाउनलोड में लिखा होगा, तीन ऑप्शन दिए होंगे यहाँ पे रियल लाइट। आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेना है रियल लाइट, जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपका डाउनलोडिंग और नोटिस आ जाएगा, यहाँ पे मेरा डाउनलोडिंग नोटिस आ चुका है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा तुरंत ही। मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा था, इसलिए मुझे डाउनलोड करने का जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने एक बार और डाउनलोड कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है रियल लाइट रिलेटेड, यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको माइनक्राफ्ट का ऑप्शन आएगा या जेड अचीवर का ऑप्शन आएगा, तो मैं माइनक्राफ्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा गाइस देख सकते हो माइनक्राफ्ट ओपन होना शुरू हो गया गाइस। अगर आपका माइनक्राफ्ट का ऑप्शन नहीं आता है गाइस, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना फाइल को, और फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको उसको जस्ट यहाँ पे जो भी फाइल निकलेगा उसको आपको यहाँ पे अपने गेम्स वाले फोल्डर में जा करके, मोजाइक में जा करके इसको बिहेवियर पैक में डाल देना गाइस। ठीक है गाइस, कुछ नहीं करना है आपको, हम लोग क्रिएट करते हैं एक नया वर्ल्ड। तो जस्ट रिसोर्स पैक में आपको कोई भी पैक नहीं मिलने वाला, देख सकते हो यहाँ पे रिसोर्स पैक में कोई पैक नहीं मिलेगा, आपको बिहेवियर पैक में जाना है। यहाँ पे देख सकते हो रियल लाइट री रिटेन डस्ट, आपको इसको एक्टिव कर लेना गाइस। इसको एक्टिव करने के बाद आपको हो जाएगा काम, और रिसोर्स पैक में भी आपको दिखा देता हूँ कि रिसोर्स पैक में आपको कोई भी पैक नहीं मिलेगा, इसलिए आपको रिसोर्स पैक में कुछ भी एक्टिव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बिहेवियर पैक में जाना है और जैसे ही उसको एक्टिव कर लेना है, एक्टिव करने के बाद आपको क्रिएट कर लेना है वर्ल्ड को गाइस। वर्ल्ड अपना क्रिएट हो चुका है गाइस, आप लोग देख सकते हो। और अभी हम लोग जाते हैं यहाँ से सीधा क्रिएटिव में, क्योंकि हमारे पास यहाँ टॉर्च वगैरह तो है नहीं, तो टॉर्च वगैरह भी बनाएंगे तो नहीं, क्रिएटिव चल जाते हैं। क्रिएटिव जाने के बाद हम लोग यहाँ पे टॉर्च ले लेते हैं गाइस, तो टॉर्च ले लेते हैं, तो टॉर्च ले लेते हैं। सबसे पहले ये टॉर्च लिया, अब यहाँ पे हम करना पड़ेगा नाइट, तो नाइट का मौसम करते जल्दी से। तो यहाँ वेदर क्यों जा रहा हूँ मैं, नाइट में जाना है टाइम, अरे डे नहीं टाइम टाइम, ओके मिड नाइट करते हैं। और मिड नाइट हो चुके गाइस, आप लोग देख सकते हो कि टॉर्च से हल्की फुल्की रोशनी आ रही गाइस, आप लोग देख सकते हो थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है अपनी टॉर्च से भी। और यहाँ पे जिस टाइप का आप लोग ब्लॉक पकड़ेगा उसके उस टाइप की अपनी रोशनी मिलने वाली है, सभी की रोशनी अलग अलग होने वाली गाइस। आप देख सकते हो मैंने टॉर्च छोड़ा और लाइट कम, और फिर टॉर्च पकड़ा लाइट आ गई, और एक और टॉर्च लेते हैं, ये वाली टॉर्च भी लेते हैं, और थोड़ा अलग अलग तरह की ब्लॉक लेते हैं जिससे लाइट निकलती है। ये रहा ग्लो स्टोन, और भी लेते हैं, तो टॉप हम अनडाइंग से भी निकलेगी लाइट गाइस, और ये रेडस्टोन का ब्लॉक भी देख के देखते क्या होता है। ओके रेडस्टोन की ब्लॉक से भी आती है रोशनी गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, इसको रखने के बाद भले ही रोशनी ना आए पर इससे आती है। टोटप अनडाइंग में थोड़ी ज्यादा लाइट है, आप लोग देख सकते हो इसकी लाइट की ज्यादा ही है, और ग्लो स्टोन की सबसे ज्यादा लाइट है, देख सकते हो कितना ज्यादा लाइट है। और रेडस्टोन टॉर्च की तो काफी कम लाइट है भाई, काफी कम है, जिस टाइप का काम करता है ये। देखो सोल साइन टॉर्च और ये नॉर्मल टॉर्च दोनों की लाइट सेम है, सबसे ज्यादा ग्लो स्टोन की टॉर्च से यहाँ पे लाइट है, और शुरूम लाइट की देखते कितना लाइट है, क्योंकि दोनों एक टाइप का ही दिखता है। तो शुरूम लाइट और ग्लो स्टोन लाइट दोनों की सेम ही लाइट है गाइस, तो दोनों की सेम लाइट है गाइस। तो बहुत सारे ब्लॉक आपको मिलेंगे जिसकी लाइट देने वाले, तो काफी सारे ब्लॉक है। यहाँ पे कैंप फायर का भी देख सकते हो लाइट है, तो कैंप फायर की भी अलग तरह की लाइट है। चलो गाइस यहाँ पे देखते हैं नीचे कुछ और मिल जाए हमें, कुछ मिल जाए ऐसे, ऐसा कुछ चीजें है क्या। यहाँ से देखने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गोल्डन इंचेंटेड एप्पल देखती है लाइट देगा, नहीं देता है, क्योंकि मुझे लगा गोल्डन इंचेंटेड एप्पल लाइट देगा क्योंकि इंचेंटेड होता शायद। लेकिन ये देखो पानी के अंदर जाने के बाद लाइट तो बंद हो जाएगा गाइस, लाइट का तो कोई फायदा नहीं पानी के अंदर, तो पानी के अंदर जाने के बाद कुछ नहीं होगा। और दिखा देता हूँ मैं आपको माइनिंग भी जा करके, तो एक बार माइनिंग पे चलते हैं सबसे पहले। तो गाइस यहाँ से माइनिंग पे ले जाते हैं, थोड़ा सा अंधेरी गुफा में जाते हैं हम लोग, यहाँ से नीचे आ चुके हैं हम लोग, काफी ज्यादा नीचे आ चुके हैं और डीप डाउन आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे माइनिंग कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि टॉर्च लगाने का कोई जरूरत ही नहीं हमें। यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा जा रहा है। तो गाइस अगर आप लोग वीडियो चला हो गाइस, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और भी मोड्स के लिए माइनक्राफ्ट के। मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।